Hi guys, assalamu alaikum. मैं ज़ोया शेफ आपको अपने चैनल ज़ोया फैशन एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम अपनी रंगत को कैसे फूलों की तरह निखार सकते हैं. फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर फैशन, ब्यूटी एंड मेहंदी की लेटेस्ट वीडियोस लाती रहती हूँ. तो मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अब चलते हैं वीडियो की तरफ. आज जो मैं आपको ये टोटका बताने जा रही हूँ, ये ज़ुबैदा आपा का बहुत ही मशहूर और कामदार टोटका है, जिसपे अमल करके आपकी रंगत फूलों की तरह निखर जाएगी. आज जो मैं आपको रंगत को फूलों की तरह निखारने का एक तरीका बताऊंगी, वो बहुत ही आसान टोटका है, जिसपे अमल करके आपकी रंगत फूलों की तरह हो जाएगी. इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए. नंबर एक पे आपको चाहिए पानी 2 लीटर, और इसके साथ आपको चाहिए 1 किलो गुलाब की पत्तियां. 2 लीटर पानी में 1 किलो गुलाब की पत्तियां डालकर अच्छी तरह पकाएं. इसके लिए आपने बर्तन स्टील का यूज करना है. पानी पकते पकते जब 1 लीटर रह जाए तो इसे उतार कर निथार लें. ये आपका अरके गुलाब तैयार है. रोजाना मुंह धोने वाले पानी में 2 चम्मच मिलाएं और अपना चेहरा धो लें. नहाने के पानी में 6 चम्मच मिलाएं और इसी से मुसलसल गुसल करें. आपकी रंगत और शदाबी गुलाबों जैसी हो जाएगी. खुद आपको हर वक्त फरहत और ताजगी का एहसास रहेगा. जिस्म से खुशबू फूटती रहेगी. जैसा कि गर्मियों का मौसम स्टार्ट होने हो रहा है, तो इसकी वजह से, गर्मियों में पसीने की वजह से हमारे जिस्म से बदबू आना शुरू हो जाती है. तो ये गुलाब के जो आप अर्क बनाएंगी, इससे गुसल करने से, नहाने से आपके जिस्म की जो तमाम बदबू है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपको ताजगी का एहसास मिलेगा. उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें. दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज. मेरी डेली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को दबाइए.